FIA में बड़े पैमाने पर अकार पेट्रोल डायरेक्टर FIA पंजाब उस्मान अनवर को तब्दील कर दिया गया। वकार अब्बासी नए डायरेक्टर FIA पंजाब तैनात। डॉक्टर उस्मान अनवर का FIA हेडक्वार्टर तबादला। पंजाब के एक और अहम ओहदे पर कप्तान का खिलाड़ी बराजमान। रहनुमा PTI चौधरी सरवर ने गवर्नर पंजाब के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी सरवर से हल्फ लिया। तकरीब में PTI रहनुमा अराकीन असेंबली समेत 2000 से ज्यादा मेहमान शरीक। जनरल अस्पताल में मुबैना गलत इंजेक्शन से मरीजा की हलाकत का मामला एक बार फिर मलबा मरीजा के लवाहिकीन पर ही डाल दिया गया। वॉल्टन की रिहायशी खातून ने निजी क्लिनिक से इलाज करवाया जहां हालत बिगड़ गई। मरीजा को जब अस्पताल लाया गया तो मुर्दा हालत में पाई गई। इंक्वायरी टीम ने रिपोर्ट सेक्रेटरी सेहत को इरसाल कर दी। हुकूमत की बल्दियाती निज़ाम को मिड टर्म की तरफ ले जाने की कोशिश गैर आइनी है। मनपसंद पटवारियों की तैनाती के लिए सिफारिश की जा रही है। PTI क़यादत के कॉल ऑफ फेल में वासे तजाद है। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू। शहर में तकरीबात के दौरान ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवानदवा रहेगी। 8 DSP समेत 300 से ज्यादा वार्डन्स फराइज अंजाम देंगे। कैंट की तरफ जाने वाले शहरियों को मुतबादल रूट्स फराहम किए जाएंगे। CTO लाहौर ने यौम दफा के हवाले से ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। जमान पार्क में तब्दीली आ गई। लेस्को का वजीर आजम की रिहायशगाह को बिलातातुल बिजली फराहमी का प्लान। इमरान खान की रिहायशगाह को 2 ग्रिड स्टेशन से बिजली फराहम करने का फैसला। एडिशनल डायरेक्टर जनरल नाहिद गुल बलोच की जेर सदारत अजलास। अजलास में PHA के 2 डायरेक्टर्स के दरमियान तलख कलामी, एक दूसरे पर रिश्वत के इल्जाम लगाते रहे। कौमी हीरोज की याद और जज्बा हुब्बुल वतनी का इजहार। हॉस्पिटलिटी इन होटल में शहदा पाकिस्तान की तस्वीरी नुमाइश। शहदा की फैमिलीज की भरपूर शिरकत। वतन के तहफ्फुज़ के लिए अपने लगते जिगर कुर्बान करने पर फख्र। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का यौम दिफा पर शहदा को खराज अकीदत। LTC ने शहर के 2 रूट्स पर मुहाफिज बस के नाम से सर्विस चला दी। और कैनेट कॉलेज के जेर एहतमाम बास्केटबॉल का दोस्ताना मैच। सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों के माबैन शानदार मुकाबला। दोनों टीमें नेशनल चैंपियनशिप में फतेह के लिए पुरअज़्म। हाजरीन ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी को खूब सराहा।